अरे फ्रैंकन भाई टिल्लू जल्दी मेरे पीछे आओ यार, पिंचैन यहीं पे है। और गाइस यार ये क्या, पिंचैन तो यहीं पे था लेकिन वो कहाँ गया? अबे शिनचैन जल्दी बता पिंचैन कहाँ है। अरे हाँ शिनचैन पिंचैन कहाँ पे है? अरे फ्रैंकन भाई टिल्लू पिंचैन तो यहीं पे था यार, पता नहीं कहाँ गया। अरे शिनचैन तू क्या बोल रहा है? अरे गाइस कहीं ऐसा तो नहीं ये अपना पिंचैन भी उन 5 बच्चों की तरह गायब हो गया? अरे नहीं फ्रैंकन भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड शिनचैन और टिल्लू जल्दी सामने देखो, सामने तो मुझे कोई रोशनी दिख रही है। अरे फ्रैंकन भाई ये रोशनी कितनी अजीब सी है यार, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम इसके अंदर जा सकते हैं। अरे हाँ गाइस यार अपना शिनचैन सही कह रहा है, मुझे भी ऐसी लग रहा है। और एक सेकंड गाइस यार कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना पिंचैन इस रोशनी के अंदर चली गया हो। अरे तो फ्रैंकन भाई देरी किस बात की, जल्दी चलो इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि क्या पता अपने पिंचैन के साथ क्या हो रहा हो। अबे शिनचैन तू डरा क्यों रहा है? तो शिनचैन टिल्लू और टिल्लू के पापा एक काम करो, जल्दी से मेरे पीछे आओ, हम चारों इस वाली रोशनी के अंदर चलते हैं। अरे एक सेकंड गाइस, हम उस रोशनी के अंदर जाते ही ये कहाँ पे आ गए? लेकिन एक सेकंड, अबे शिनचैन टिल्लू टिल्लू के पापा तुम सारे मेरे से पहले कैसे पहुँच गए? अरे फ्रैंकन भाई हम तीनों तो इस वाली रोशनी के अंदर से ही आए हैं यार, तुम कहाँ ऊपर से आ रही हो? लेकिन ये सब छोड़ो, तुम सबको ये मंत्र फूकने की आवाज आ रही है क्या? अरे हाँ फ्रैंकन भाई आ रही है। अरे हाँ मुझे भी आ रही है। ओल ये क्या, ये आवाज तो वहाँ से आ रही है, जल्दी मेरे पीछे आओ सबकी सब। अरे ये देखो मैंने कहा था ना मुझे आवाज यहीं से आ रही है, यहाँ पे तो एक अंकल मंत्र फूक रहे हैं, जल्दी सबकी सब आओ। अरे हाँ गाइस यार अपना टिल्लू तो एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे तो ये बाबा मंत्र फूक रहे हैं। और एक सेकंड, अबे शिनचैन टिल्लू जल्दी बाबा के पीछे देखो, उस वाले पत्थर के ऊपर तो शिनचैन खड़ा है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे पिंचैन पिंचैन मेरे भाई जल्दी आँख खोल। अरे गाइस यार अपना पिंचैन तो आँख ही नहीं खोल रहा। अरे फ्रैंकन भाई ये सब छोड़ो यार, बाबा के साथ में देखो, वो तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। हैं अबे शिनचैन क्या बोल रहे, तेरे स्कूल के प्रिंसिपल? लेकिन तुम इन सब के साथ क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे हाँ प्रिंसिपल जल्दी बताओ वरना मैं भी तुझे मारूंगा। अरे ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड फ्रैंकन भाई, प्रिंसिपल का बेटा तो 6 महीने पहले मर गया यार। अरे हाँ शिनचैन तुमने सही कहा, ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात है जब मेरा छोटा सा बेटा स्कूल की छत पे खेल रहा था, लेकिन उसका गलती से पैर फिसल गया और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया और उसी टाइम उसकी मौत हो गई, और उसके बाद मेरे बेटे को कोई ठीक नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने बेटे को इस वाले जंगल में ले आया था, और इस जंगल में मुझे ये बाबा मिले जिनकी वजह से मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, अपने स्कूल के 21 बच्चों की बलि देनी है। अरे फ्रैंकन भाई ये क्या, ये प्रिंसिपल क्या बोल रही है यार, ये तो पागल हो गया। अरे शिनचैन टिल्लू तुम दोनों टेंशन ना लो, अरे प्रिंसिपल के बच्चे तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। अच्छा तो तुम मेरे काम के बीच में आओगे तो ये लो। अरे फ्रैंकन भाई ये क्या, इस प्रिंसिपल ने तो आपको हवा में उड़ा लिया। अरे हाँ शिनचैन इसने तो मुझे हवा में उड़ा लिया। अरे फ्रैंकलिन रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ। अरे गाइस यार ये क्या, इसने तो टिल्लू के पापा को भी हवा में उड़ा लिया यार। अबे शिनचैन टिल्लू देख के आ रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। अरे फ्रैंकन भाई क्या बोल रहे हो, हम आप सभी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अबे शिनचैन मेरी बात समझ, अगर हम सारे यहाँ पे पकड़े गए तो हमें बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ तुम दोनों जल्दी से भागो। अरे गाइस यार लगता है कि मुझे फ्रैंकन भाई की बात माननी पड़ेगी। अरे टिल्लू देख के आ रहे हो, जल्दी भागो। अरे गाइस यार टिल्लू और मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, वरना हमारे प्रिंसिपल हमें भी पकड़ लेंगे। अरे लेकिन शिनचैन ये तो बताओ कि हम इन सबको कैसे बचाएंगे? अरे टिल्लू तुमने भी मुझे हल्के में लिया है क्या, मैं अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो कि अपने प्रिंसिपल को हरा देंगे। तो गाइस एक काम करते हैं, अपन लोग जल्दी से उन वाले बाबा के पास चलती हैं ताकि हम सभी को बचा ले। तो इसी के साथ शिनचैन और टिल्लू पहुंच जाते हैं बाबा के पास। अरे शिनचैन हम बाबा के पास कब पहुंचेंगे? अरे टिल्लू तुम टेंशन ना लो यार, हम लोग बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। और गाइस यार तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे चारों तरफ पे बर्फ ही बर्फ है, लेकिन ये बाबा जी कहाँ पे गए? अरे बाबा जी कहाँ पे हो यार, जल्दी से मिल जाओ। अरे एक सेकंड शिनचैन जल्दी सामने देखो, वहाँ पे तो कोई कब्रिस्तान लगता है। अरे वाह टिल्लू तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा, अपने बाबा जी वहीं पे तो रहते हैं। अरे गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे अपनी बाइक रोकते हैं यार। अरे टिल्लू क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे शिनचैन आ रहा हूँ लेकिन एक सेकंड। अरे शिनचैन जल्दी अपने ऊपर देखो, वो क्या चीज है? अरे टिल्लू तुम्हें
मेरे ऊपर क्या दिख गया यार, अरे ये क्या गाइस यार, ये तो हमारे बाबा जी हैं। अरे ये क्या शिनचैन, ये तो इतनी जल्दी नीचे भी आ गई। अरे टिल्लू तुम इन बाबा को जानते क्या हो यार, ये हमारे प्रिंसिपल को चुटकियों में हरा देंगे। गाइस एक काम करते हैं, इन वाले बाबा से सारी बात बता देते हैं। अरे वाह गाइस यार, फाइनली हमने बाबा से बात कर ली है और ये बाबा अपने साथ चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब वो प्रिंसिपल का बच्चा हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। अरे लेकिन चिंचैन ये रोशनी कैसी है? अरे टिल्लू ये बाबा ने किया है यार, इस रोशनी के अंदर जाते ही हम सीधा अपने फ्रैंकलिन भाई के पास पहुंच जाएंगे। हाँ तो बाबा जी और टिल्लू एक काम करो, अब जल्दी से मेरे पीछे आओ यार, हमें जल्दी से अपने फ्रैंकलिन भाई के पास जाना पड़ेगा। और इसी के साथ चिंचैन और टिल्लू बाबा को लेके पहुंच जाते हैं फ्रैंकलिन के पास। अरे ये क्या चिंचैन, मैंने कहा था यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम वापस क्यों आ गए? अरे फ्रैंकलिन भाई डरते हैं क्या, टेंशन क्यों ले रहे हो? इस बार हम अपने साथ अपने बाबा को लेके आए हैं। अरे शिनचैन ये तो वही वाले बाबा है ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई ये वही बाबा है, अब आप टेंशन ना लो, ये अपने प्रिंसिपल को हरा देंगे। और ये क्या, जैसा कि हमने सोचा था अपने बाबा ने प्रिंसिपल और उसके साथी को हवा में उड़ा लिया और देखते ही देखते इन दोनों को जला दिया। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई जल्दी देखो, अपने टिल्लू के पापा शिनचैन और ये सारे बच्चे बच गए। अरे हाँ शिनचैन, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है? अरे हाँ शिनचैन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है यार, थैंक यू। अरे पिंचैन तुम लोग मेरे भाई हो यार, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अरे वाह शिनचैन, ये हुई न बात, तो तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या? हाँ फ्रैंकलिन भाई, तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।